आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के अल्लाहपुर ग्राम पंचायत के जगदीशपुर गांव में इसी तालाब में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया है। मरने वालों में गौरव पुत्र अजय कुमार 13 वर्ष, नारायण पुत्र विजय कुमार 15 वर्ष व सागर पुत्र नरेश शामिल है। ये लोग अल्लाहपुर ग्राम पंचायत जगदीशपुर डी के रहने वाले थे। दोपहर करीब 1 बजे तीनों लड़कों के साथ कृष्णा यादव पुत्र सूरज 10 वर्ष नहाने गया था, जहां तीनों को डूबता देख कृष्णा ने गांव में शोर किया। गांव वालों ने जाल डालकर तीनों के शव को बाहर निकाला। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। डुमरियागंज पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों को इकट्ठा कर पंचनामा करते हुए लाश को परिजनों को सौंप दिया है। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। यह है कि वहां लड़के सब 3-4 लगभग वहां गए, उसके बाद उसी में एक लड़का पहले गया, उसके बाद सब उसको बचाने में तीन लोग सब गांव को सब जुटे, उसके बाद उसको निकाला, फिर बीमार ले गया वहाँ से। ये लड़के बारिश में भीगते हुए गए पोखरे पे, वहाँ 4 लड़के थे, इसमें 3 लड़के 4 लड़के घुसे अंदर, एक छोटा सा था वो बाहर निकल आया और बाकी 3 लड़के उसमें डूब गए। ये लड़का आके गांव में बताया तो गांव के लोग गए, तब गए वहां से खोजने के बाद एक लड़का मिला, उसके बाद 2 नहीं मिले। 2 की बहुत खुजाई के बाद जाल से छानबीन करने के बाद वो दोनों लड़के फिर मिले। क्या उम्र थी लड़कों की? एक गौरव नाम था, उनके पिता का नाम अजय कुमार है, उम्र 13 साल है लगभग, और एक नाम है नारायण, पिता का नाम विजय कुमार है, उनकी उम्र लगभग 15 साल है, और एक सागर पुत्र का नाम है राम नरेश, उसकी उम्र भी 14 साल लग रही है। 3 लड़के डूबे। आज जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुर से एक सूचना आई, वहाँ पे गांव के बगल में एक तालाब में उसी गांव के 3 नाबालिग बच्चे, गौरव उम्र 12 वर्ष, नारायण उम्र 15 वर्ष, सागर उम्र 11 वर्ष, तीनों बच्चे एक साथ खेलते खेलते वहाँ पोखरे के पास चले गए। पोखरे में नहाने के नाम पर उतरने पर उनके पैर फिसल गए, जहां तीनों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। वहां ग्रामवासियों और गोताखोरों की मदद से तत्काल पुलिस उन तीनों बच्चों को पानी से निकालकर उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विधि कार्रवाई करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।